लिगान ग्रेड आयन चैनल्स एंड द न्यूक्लियर रिसेप्टर्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये टॉपिक की बात करें तो ये आपके फार्मेसी या अभी हम फोर्थ सेमेस्टर फार्माकोलॉजी वन यूनिट नंबर टू फार्माकोडानेमिक का पार्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन के साथ साथ थियोटिकल क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन सब बन सकते हैं और इनके स्पेसिफिक टाइप्स को हम डिटेल में भी डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियोज़ सो एंड इफ यूट टू वॉच माई फ्रीस वीडियोज रिगार्डिंग द फार्मोलॉजी मेडिसिनल कमिस्ट्री और दर्गनिक केमिस्ट्री फॉर द बी फॉम फोर्थ सेमेस्टर यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी लो और बाई विजिंग दिस लिंक इसके अलावा आप मेरे नोट्स को डाउनलोड करने के लिए मेरी वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट फार्मेसी कॉन्सेप्ट डॉट इन पर विजिट कर सकते हैं वहाँ से अपना मटेरियल वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं सो लेट स्टार्ट द टॉपिक सो रिसेप्टर्स मीन्स रिसिविंग मॉलिकुल्स हमारे सेल्स में बहुत सारे ड्रग टारगेट प्रोटीन्स होते हैं उनमें से एक है आपका रिसेप्टर्स कुछ और हैं जैसे कि बात करें एंजाइम हो ट्रांसपोर्टर्स हो आयन चैनल्स हो जिसके बारे में हम ऑलरेडी पिछले वीडियोस में बात कर चुके हैं जो मेजर इंपॉर्टेंट आपका ड्रग टारगेट प्रोटीन है वो है आपके रिसेप्टर्स रिसेप्टर्स के थ्रू ही ड्रग अपना एक्शंस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं वेरियस सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे के थ्रू चाहे वो साइक्लिक एम हो आपके साइक्लिक जी हो आपके आई पी हो कैल्शियम सिग्नलिंग हो ठीक है रास पाथवे हो एम हो ठीक है जिन ट्रांसक्रिप्शन पाथवे हो तो बहुत सारे सिग्नल सिग्नल ट्रांजेक्शन पाथवेज होते हैं और ये रिसेप्टर के बेस पे ही होते हैं सो रिसेप्टर्स इज अ मैक्रो मालिकूल बेसिकली मोस्टली इन द प्रोटीन इन नेचर एंड हैविंग ए स्पेसिफिक लिगान ड्रग बाइडिंग साइट तो बात करें रिसेप्टर्स की तो रिसेप्टर एक तरह के माइक्रो मालिकुल्स हैं प्रोटीन मालिकुल्स हैं और ये न्यूक्लिक एसिड भी होते हैं कुछ जगह पर तो इनके पास एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल स्पेसिफिक बोलें तो बेहतर है इनके पास होती है स्ट्रक्चरल स्पेसिफिक लिगान और ड्रग बाइंडिंग साइट जैसे कि ये आपका रिसेप्टर्स का जो है ये सरफेस रिसेप्टर्स हैं एग्जाम्पल हैं ये आपका सेल मेम्ब्रेन है सेल मेम्बरेन ये आपका रिसेप्टर्स हैं ये आपका एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है इंटर सेलर डोमेन्स हैं ठीक है ये ट्रांसमेरेंट प्रोटीन्स हैं और ये आपका है जो ये एरिया है आपका ये एरिया है आपका लिगान बाइंडिंग साइट जो कि स्ट्रक्चरल स्ट्रियो स्ट्रक्चरल स्पेसिफिक होता याद है याद रखिए मतलब एक स्ट्रो स्ट्रक्चर स्पेसिफिक ड्रग मॉलिकुल ही इस पे आके बाइंड कर सकता है और इस स्ट्रक्टर को एक्टिवेट कर सकता है ठीक है एंड इट लोकेटेड एट द सरफेस और इनसाइड द सेल तो इनका जो लोकेशन है तो सेल के सरफेस पे होगा या फिर सेल्स के अंदर पे आपके साइटोप्लाज्मिक एरिया पे भी हो सकता है या फिर आपके न्यूक्लियस एरिया पे भी ये हो सकता है ठीक एंड सब द रिकॉग्नाइज द सिग्नल्स ऑफ द सिग्लिकांड्स एंड द इनिशिएट द रिस्पॉन्स बट इट सेल्फ हैज नो अदर एक्शन इसका काम है कि ड्रग के जो सिग्नल्स हैं उसको रिगनाइज करना एक्टिवेट होना अपने आप को और उसके थ्रू जो है अपना सेलर रिस्पॉन्स को फर्दर फॉरवर्ड करना ठीक है बट इट्स सेल्फ इसके कोई एक्टिविटी नहीं होती जब तक कि वो किसी लिगान से या किसी ड्रग से बाइंड ना हो ठीक तो बात करें रिसेप्टर्स की तो रिसेप्टर्स देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स देर सब टाइप्स आर अवेलेबल बेस्ड ऑन देयर फार्मोकोलॉजिकल एक्शन रिसेप्टर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं सब टाइप्स होते हैं बहुत सारा लग तरीका है जिससे हम डिवाइड कर सकते हैं जैसे कि बात करें फार्मोटोलॉजिकल एक्शन के बेस पे अगर बिल्गान सेम हो फिर भी उनका एक्शन अलग हो सकता है उनकी रिसेप्टर का जो टाइप है वो अलग हो सकता है जैसे कि बात करें मस्कनिक रिसेप्टर्स या न्यूटनिक रिसेप्टर्स की दोनों अलग रिस्पॉन्स शो करते हैं एंड टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर हम डिवाइड कर सकते हैं जैसे कि बात करें हम अगर हम बात करें एम रिसेप्टर्स का तो एम रिसेप्टर्स के भी बहुत सारे सब टाइप्स हैं जैसे कि एम वन आर एम वन रिसेप्टर्स एम टू रिसेप्टर्स और एम थ्री सेप्टर्स एम बेसिकली आपके होते हैं सीनेस पे या फिर आपके जी आई ग्लॉन्ड्स पे एम टू होते हैं बेसिकली आपके हार्ट पे और एम थ्री होते हैं आपके बेसिकली इंटेस्टिनल्स मसल्स पे या इस मसल सेल्स पे ठीक है इसका अलावा लगान बांडिंग एफेटिव के बेस पे भी या सिग्नल ट्रांजक्शन के बेस पे है या फिर मोलिकुलर क्लोनिंग के बेस पे हम रिसेप्टर्स को अलग क्लास में डिवाइड कर सकते हैं बट मेजरली जो है बेस्ड ऑन द ड्रग इफेक्ट सिक्वेंजेस मीन सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे रिसेप्टर्स आर जनरली क्लासिफाइड इन टू फोर मेजर क्लासेस विच आर समराइज इन टेबल एंड फिगर जोन मिलो हम आगे बात करेंगे तो बेसिकली ये जो ड्रग रिसेप्टर्स का जो क्लास है रिसेप्टर का क्लास है बेसिकली आपके आ, सिग्नल ट्रांजिशन पाथवे के बेस पे हम डिवाइड किए हैं मेजरली चार टाइप के ये होते हैं फर्स्ट है आपका लिगान गेटेड आयन चैनल्स, जिससे हम एल जी आई सी शॉर्ट फॉर्म में या फिर आइनोट्रॉपिक रिसेप्टर्स भी बोलते हैं सेकेंड आपका जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जिससे हम जी पी सी आर शॉर्ट में या फिर मेटाबोट्रॉपिक भी बोलते हैं ये आपके क्वेश्चन आते हैं आयन चैनल्स जितने रिसेप्ट हैं एल जी आई वो आयोट्रॉप रिसेप्टर्स हैं जितने भी जीपीएसआर होंगे उन्हें मेटाबोट्रॉपिक भी बोल सकते हैं नेक्स्ट है आपका एंजाइम लिंग रिसेप्टर्स इसके भी दो टाइप होते हैं टर्सिन कैनिस टाइप और जेक स्टेट पाथवे टाइप हम आगे बात करेंगे जब बात करेंगे स्पेसिफिक इस रिसेप्टर के बारे में नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियर रिसेप्टर्स ठीक तो ये भी इसके लिए आपका ड्रग है ये आपका लिगान बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं ड्रग ये आपका है रिसेप्टर तो ड्रग आपके रिसेप्टर पर बाइंड होता है बाइंड होने के बाद ये जो रिसेप्टर्स हैं उसका कंपनीशनल चेंज होगा एक्टिवेट होगा एक तरीके से एक्टिवेट होने के बाद ये एक तरीके से स्पेसिफिक सिग्नल ट्रांजिशन पाथवे को एक्टिवेट करेगा जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और फिर अपना सेलो रिस्पॉन्स को शो करेगा तो आपके जो मेजरली चार्ट के होते हैं जिसे हमने कहा कुछ होते हैं सेल सर्फेस खासकर तीन एल जी आई सी जी पी सी आर और एनजैम लिंक ये आपके सेल सर्फेस वाले सेक्टर्स होते हैं और जो इंटरसोलर सेक्टर्स होते हैं वो आपके हैं न्यूक्लियर सेक्टर्स ठीक है एल जी आई सी बहुत फास्टेस्ट है और एगुलर सेप्टर स्लोएस्ट है हम आगे बात करेंगे सो so, ये जैसे कि बात करते हैं एल एल जी आई सी की तो एल जी आई सी मीन्स लिगान ग्रेट आयन चैनल्स मतलब एक तरीके से सेल मेम्रेन है सेल सर्विस रिसेप्टर्स हैं इस पर आपके होते हैं आयन चैनल रिसेप्टर्स तो ये आपके लिगन बाइंडिंग साइट्स हैं इस पर आके ड्रग बाइंड होगा बाइंड होने के बाद ये जो चैनल्स हैं वो ओपन हो जाएगा ओपन होने की वजह से जो आपका आयन्स वो एक तरीके से आयन्स जो हैं फर्दर मूव करेंगे इंटर सेलर्स पर और ये आयन्स आएंगे और आयन्स की वजह से उनका एक्शंस जो हैं सो होगा नेक्स्ट है जीपीसीआर का ये बेसिक स्ट्रक्चर है इसमें आपके होते हैं एक होता है ड्रग बाइंडिंग साइट्स एक होता है जी प्रोटीन बाइंडिंग साइट्स ठीक है तो यहाँ पे आके जीपीसीआर है ये आपका ड्रग आके बाइंड किया फिर जी प्रोटीन आ जाके बाइंड करेगा अपने एरिया पे और ये जी प्रोटीन के बेस पर ही अपना एक्शंस जो हैं शो करता है तो ये आपके फैक्टर प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा उसके थ्रू जो है आई पी थ्री डी ए जी पाथ या फिर सेफ बी पाथवे एक्टिवेट होंगे और अपना एक्शंस शो होगा नेक्स्ट है आपका एंजाइम लिंक रिसेप्टर्स तो इसमें एक तरीके से ऐसे रिसेप्टर जिसमें एंजाइम लिंक्ड होते हैं उन पर ड्रग बाइंड करेगा उनको फास्फ्लाइट होगा उस एंजाइम को और एंजाइम फास्फोलाइसन के थ्रू प्रोटीन कैनेस एक्टिवेट होंगे और एक तरीके से रास राफ एम ए पी के बाथें एक्टिवेट होंगे और अल्टीमेटी जीन ट्रांसक्रिप्शन ये कराते हैं सिमिलरली आपके न्यूक्लियर रिसेप्टर्स जो हैं इनसाइड द सेल होते हैं ड्रग आके बाइंड करेगा इस रिसेप्टर्स पे फिर वो ट्रांसलोकेट होंगे आपके रिसेप्टर्स न्यूक्स पे और ये डीएनए पे उसके जो रिस्पॉन्सिव एलिमेंट्स हैं जाके बाइंड करते हैं और उनके थ्रू आपका जीन ट्रांसक्रिप्शन फर्दर आपका होगा तो एक बेसिक पाथवेस हैं इन रिसेप्टर्स के ठीक है हम आगे ही बात करेंगे डिटेल में तो ये बेसिक फीचर्स हैं तो जैसे कि देखें आप ये जो तीनों क्लास चार क्लास का है लिगान ग्रेट आयन चैनल्स जी प्रोटीन या आपका रिसिप्टर काइनेस या फिर इसको हम एंजाइम लिंक्ड रिसिप्टर्स भी बोल सकते हैं और ये आपका न्यूक्लियर रिसेप्टर्स तो ये आपके कहाँ पे होते हैं मेम्ब्रेन पे मेम्ब्रेन पे और मेम्ब्रेन पे तीनों ये सेल सरफेस सेक्टर होते हैं जबकि आपका जो रेकेर सेक्टर्स है कहाँ होता है आपका इनसाइड द सेल मीन्स इंट्रा सेलर या तो होंगे आपके साइटो प्लाज्मा याद रखिए या फिर और आपके न्यूक्लियस पे न्यूक्लियस पे या एरिया पे होते हैं इनका जो मेन पाथवे इफेक्टर है वो आपका आयन चैनल्स ही है इसमें आपका चैनल्स हो सकते हैं आयन चैनल्स या फिर एंजाइम हो सकते हैं जैसे कि बात करें एसी या जीसी या फिर आपका पीसी पीएलसी ठीक है मतलब एडनाइल साइक्लेज या फिर आपका जो फसफ प्रोटीन फास फसफोलाइपिस सी है ये सब आपके एंजाइम्स जो हैं इफेक्टर प्रोटीन हैं ठीक है इसमें होते हैं प्रोटीन काइनेस इसमें होते हैं जीन ट्रांसक्रिप्शन मेजर पाथवे कपलिंग की बात करें इसमें डाइट होती है इसमें जी प्रोटीन कपलिंग होता है आपके सेक्टर से इसमें डाइट होते हैं इस पर डीन कपलिंग होता है एग्जाम्पल की बात करें जैसे कि इसमें आपका न्यूरोनिक स्ट्रोन रिसेप्टर्स एन रिसेप्टर्स गाबा ए रिसेप्टर्स और एन एंड सेप्टरस इसमें बात करें मस्कनी रिसेप्टर्स हैं एडनोर रिसेप्टर्स हैं हिस्टामिन रिसेप्टर्स हैं बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं मोस्ट ऑफ द रिसेप्टर्स की बात करें तो नाइन्टी परसेंट जो ड्रग हैं जो रिसेप्टर पर, 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 पर काम करते हैं वो जी पी के थ्रू काम करते हैं अगर सौ परसेंट ड्रग सौ अगर सौ ड्रग हैं सौ ड्रग अगर रिसेप्टर बेस पे काम करते हैं तो सौ में से नाइन्टी ड्रग जी पी के थ्रू काम करते हैं बहुत कुछ ही ड्रग जो हैं आपके एल जी आई सी न्यूक्लियस या फिर आपके कानिज से काम करते हैं याद रखिए इसकी बात करें तो इसमें आते हैं इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर ग्रोथ हार्मोन ये सब आते हैं ठीक है इसमें बेसिकली रिसेप्टर्स और आपके इस्टिसेप्टर्स होते हैं ये आपके होते हैं साइटोप्लाज्मिक एरिया पे, साइटोप्लाज्म पे होता है ये होता है आपके न्यूक्लियस पे ठीक है बात इनके बेसिक स्ट्रक्चर की तो ये बेसिक स्ट्रक्चर का डोमेन वगैरह है ओलिंगरिक असेंबली होता है सब मिनट इसमें साउंडिंग सेंट्रल पोर बनाते हैं ये सेंट्रल पोर है आपके चैनल पोर है ये आपके लिगान बाइंडिंग साइट्स है ये आपके चैनल पोर हैं ये आपका एन टर्मिनल है या आपका सी टर्मिनल है मतलब ये एन एच टू टर्मिनल है यह आपका सी टर्मिनल है ठीक है सेम बात करें एनजी प्रोटीन की तो मोनोमरिक डायमरिक डायमरिक दाए, दाए, कोर स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सेवन ट्रांसमेरेंट प्रोटीन से बना होता है ये इसके वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ठीक है ये आपका ड्रग बॉन्डिंग साइट हो सकते हैं इस तरीके से ये आपका जी प्रोटीन बॉन्डिंग साइट्स हैं ये एन टर्मिनल है ये सी टर्मिनल है, है ये आपका सिंगल ट्रांसमेरेंट प्रोटीन होते हैं हेलिक्स होते हैं जब डोमेन इंट्र सेलर डोमेन होते हैं ये आपका कैटलिक डोमेन है जहाँ पे एंजाइम्स होते हैं ये आपका ड्रग बॉन्डिंग डोमेन है ये आपके न्यूक्लियर रिसेप्टर्स हैं जो मोनोमरिक होते हैं ठीक है और ये आपका डीएनए बॉन्डिंग साइट्स हैं जिंक फिंगर्स हैं ये आपका बाइंडिंग डोमेन है ड्रग बॉन्डिंग डोमेन है ठीक तो बेसिकली केवल जो आपका न्यूक्लियर रिसेप्टर्स में जो सी टर्मिनल है वो ऊपर होता है और उसके पास में आपका होता है ड्रग मार्डिंग साइट बाकी जगह जितने भी एन टर्मिनल्स हैं उनके पास में होते हैं ड्रग मार्डिंग साइट्स तीनों रिसेप्टर्स के तो ये भी डिफरेंट है ठीक है अब ये आते हैं ओरल पाथवे के बारे में तो ये आपका ओरल पाथवे है एल जी ठीक आयंस ये ड्रग हैं ड्रग आके बाइंड करेंगे अपने साइट्स पे एक्टिवेट होंगे आयंस मूव करेगा चाहे केटायंस हो या एनायंस हो अगर वो केटायंस होगा तो डीप प्रोडाइसन होगा मतलब सेल्स का एक्टिवेशन होगा अगर एनायंस होंगे तो हाइपर प्रोलाइसन होगा मतलब सेल्स एक्टिविटी कम होगी इससे एक्साइटेटरी होगा इससे इनबेटरी एक्शन सो हो होगा ठीक है तो इसमें जो सिंगलिंग मालिक्यूल्स क्या होंगे आयंस होंगे जो सिग्नल्स प्रोवाइड करेंगे वो आयंस होंगे सेकेंड जी पी सी आर जी प्रोटीन कंप्यूट सेक्टर्स ड्रग आके बाइंड करेगा बाइंड करने के से इसका कंपोजन चेंज होगा उससे जी प्रोटीन आके बाइंड करेगा जी प्रोटीन फिर अपने जो इफेक्टर प्रोटीन है चाहे वो बात करें एंजाइम की हो या फिर बात करें आयन चैनल्स की हो उनको एक्टिवेट करेंगे उसके थ्रू जो है कुछ पाथवेज सेकेंडरी मैसेंजर्स बनेंगे जैसे कि बात करें साइक्लिक एम या फिर आई पी थ्री डी ए जी और आयन्स अंदर आएंगे तो उसकी जो एक्साटेबिलिटी है भी चेंज होगी तो उसके थ्रू जो है प्रोटीन फ्रासमोशन के थ्रू अपना इफेक्ट सोलर इफेक्ट शो करेगा आपका जी पी सी आर सिमिलरली बात करें एंजाइम लिंग रिसेप्टर्स की तो ये जाके बाइंड करेंगे रिसेप्टर्स पे पर फॉर्म करेंगे ये जो आपके एंजाइम्स हैं वो एक्टिवेट होंगे मतलब फास्ट होंगे और उसके थ्रू प्रोटीन फास्ट होगा जिन ट्रांसक्रिप्शन होगा और प्रोटीन बनेगा इफेक्ट शो होगा सेम लिंग सेक्टर पर ये जो ड्रग हैं आके बाइंड करेंगे अपने रिसेप्टर्स पर और फिर ये जो रिसेप्टर्स हैं अपने हार्मोन रिस्पेंसिव एलिमेंट्स के बाइंडिंग साइड पर बाइंड करते हैं जी डी एन ए पर और फिर जिन ट्रांसक्रिप्शन होगा और इसका मेन इफेक्ट होगा ये इनका जो रिस्पॉन्स टाइम है सबसे फास्टेस्ट होता है आपका लिगान ग्रेट आयन चैनल्स जो होते हैं मिली सेकेंड पर बात करें एग्जाम्पल की तो एन रिसेप्टर्स गबा ए रिसेप्टर्स एन एम डी रिसेप्टर्स बात करें हम लोग जी पी सी आर की तो जो रिस्पॉन्स टाइम सेकेंड्स में होते हैं ठीक है एग्जाम्पल की बात करें तो मस्कनिक रिसेप्टर्स एनर्जिक रिसेप्टर्स या फिर हिस्टामिनर्जिक हिस्टामर्जिकॉनजिक रिसेप्टर्स भी होते हैं एंजाइम इंटर की बात करें तो ये आपके स्लोअर होते हैं मोर एज कंपेयर टू द जी पी सी आर एन एल जी आई सी इसके जो रिस्पॉन्स टाइम है वो हावर्स में होते हैं बात करें एग्जाम्पल के कि तो वह आपका है इंसुलिन रिसेप्टर्स या साइटोकाइन रिसेप्टर्स इसकी बात करें तो इसका जो एक्शन है स्लोएस्ट होता है ठीक है एक्शन्स हावर में भी हावर से लेकर दिन तक भी हो सकता है जो रिसेप्टर्स के एग्जाम्पल हैं वह आपके एंड्रोजन रिसेप्टर्स थायरोक्सिन रिसेप्टर्स या फिर स्ट्रोडल रिसेप्टर्स तो ये कुछ बेसिक पाथवे या फीचर्स हैं आपके सारे रिसेप्टर्स के जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं तो आप इस जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है इस स्ट्रक्चर को ही ड्रॉ कर देंगे तो आपको फाइव नंबर में फोर नंबर इजिली गेन कर सकते हैं बिना कुछ और लिखे ठीक है बड़ा थोड़ा सा रिसेप्टर के बारे में लिखिए उनके बेसिक टाइप्स के बारे में लिखिए कुछ थ्योरिटिकल लिख दीजिए और इसको आप ड्रॉ कर देंगे ड्रॉ कर देंगे तो आपको मार्क्स पूरे पूरे मिल जाएंगे सो दीज आर द बेसिक्स अबाउट द ऑल रिसेप्टर्स एंड रिसेप्टर फैमिली एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज प्रेस द लाइक बटन शेयर विथ योर फ्रेंड एंड एनी फीडबैक प्लीज़ कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन देट मोटिवेट फॉर द कमिंग वीडियोज एंड लास्ट थैंक यू कीप वॉचिंग